Xiaomi MIUI 13 चाइना में बहुत जल्द बीटा टेस्टिंग में रिलीज करने वाला है और इसका कुछ लीक्स भी आया है। दिखाएंगे इस वीडियो में इसका फर्स्ट लुक कि कैसे आपको देखने को मिलेगा। इसी के साथ हम ये भी बताएं कि चाइना में कौन कौन से डिवाइस में आपको सबसे पहले अपडेट मिलेगा। तो हमने अपने टेलीग्राम ग्रुप के चैनल पे कुछ पोस्ट पब्लिक किया था, यहाँ पे आप देख सकते हैं MIUI 13 का फर्स्ट लुक। इसमें काफी ज्यादा चेंजेस कर दिया गया है। इस बार जो भी UI आने वाला है MIUI 13 का, यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका जो कंट्रोल सेंटर है, पहले आपको MIUI 12.5 में कुछ इस तरह का देखने को मिलता था, बट अभी आने वाले टाइम में आप देख सकते हैं आपका जो UI रहेगा कंट्रोल सेंटर का, यहाँ पे आपका वॉल्यूम रोकर और ब्राइटनेस लेवल है वो दोनों एक साथ दे दिया गया है, जैसे कि यहाँ पे आप अभी स्क्रीन पे देख रहे हैं। इसी के साथ जो स्टेप कैलकुलेटर है, उसके बाद डेटा कैलकुलेटर, वो सभी चीज एक दे दिया है जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं। बट ये सब जो चीज है वो अभी भी आपको MIUI 12 में इंडियन वर्जन या ग्लोबल वर्जन में देखने को नहीं मिलता, जैसे कि डेटा कैलकुलेटर आपका MIUI 12.5 कंट्रोल सेंटर पे नहीं बताता है, स्टेप कैलकुलेटर भी आपका नहीं बताता है। हालांकि जो स्टेप कैलकुलेटर है वो बहुत ही हायर डिवाइस में वर्क करता है, नॉर्मल डिवाइस में वर्क नहीं करता, बट Xiaomi को कम से कम MIUI 12.5 में डेटा कैलकुलेशन MIUI 12.5 का जो कंट्रोल सेंटर है उसमें देना जरूरी था, बट अभी तक आपको ये चीज देखने को नहीं मिलता है। और आने वाले टाइम में जब MIUI 13 का अपडेट मिलेगा तो उसमें लेटेस्ट UI मिलेगा फाइल मैनेजर पे, यहाँ पे आप देख सकते हैं। हालांकि ये जो अपडेट अभी MIUI 12.5 में भी आ चुका है चाइना बीटा रूम में, और इसे आप कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं इससे रिलेटेड भी मैंने वीडियो ऑलरेडी बना दिया है, जिसका वीडियो आपको आई बटन में मिल जाएगा। बट इसमें और थोड़ा चेंजेस कर दिया गया है, जैसे कि आप देख सकते हैं। एग्जांपल के लिए यहाँ पे आप ले लीजिए जो WeChat है, समझिए कि WhatsApp है, जो WeChat है मान लीजिए कि WhatsApp है, तो क्या होगा कि आपको अगर WhatsApp को कोई डॉक्यूमेंट, पिक्चर, इमेज, वीडियो अगर चाहिए तो आपको अलग से फोल्डर में जाने का जरूरत नहीं है, सिंपली रिसेंट में जाना है और WhatsApp में सिंपली टैप करना है। जैसे आप टैप करेंगे, WhatsApp से रिलेटेड जितने भी डॉक्यूमेंट्स, फोटोज, वीडियो, इमेज रहेगा वो सभी के सभी एक ही लिस्ट में आपको मिल जाएगा। होम स्क्रीन भी आपको काफी ज्यादा चेंजेस देखने को मिल सकता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो विडेज वगैरह वो कम्प्लीटली एप्पल के जैसे बनाया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो वेदर का इन्फॉर्मेशन है वो भी आपको एप्पल के जैसे देखने को मिलता है, गैलरी भी आपको एप्पल विडेज ही देखने को मिलता है। तो इस तरह का चेंजेस कर रहा है, ज्यादातर चीजें एप्पल से कॉपी किया गया है और आने वाले टाइम में ये सभी चीज आपको MIUI 13 में देखने को मिल सकता है। MIUI 13 का ऐप बोल्ड में भी काफी अच्छा चेंजेस किया गया है, यहाँ पे आपको न्यू क्लॉक विडेज देखने को मिलता है, डेट का भी एक अलग सा विडेज दिया गया है। इसी के साथ जो कि एंड्रॉइड में डिजिटल वेबलिंक का एक एप्लीकेशन देखने को मिलता है कि कौन सा एप्लीकेशन आप कितना टाइम यूज किए हैं, कितना नोटिफिकेशन आया आपके डिवाइस में, अनलॉक कितना बार किए हैं, वो सभी चीज आपको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दे देता है। सेम चीज आपका यहाँ पे भी देखने को मिल जाएगा, बस थोड़ा सा यहाँ पे UI में चेंजेस किया गया है। और हाँ, एक ग्लोबल या इंडियन रूम में शायद आपको देखने को मिले, क्योंकि ग्लोबल और इंडियन रूम के लिए आपका डिजिटल वेबलिंक पहले से अवेलेबल है। बहुत ज्यादा चेंजेस कर दिया गया है UI में, यहाँ पे आप देख सकते हैं, बट ज्यादातर चीजें आपको चाइनीज में को मिलता है, इंडियन या ग्लोबल रूम में नहीं मिलता है। अब बात करते हैं कि ये कौन कौन सा डिवाइस में अभी इसका बीटा वर्जन रिलीज करने वाला है, वो भी हम आपको दिखा देते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं जो MIUI 13 स्टेबल बिल्ड है, यहाँ पे आप देख सकते हैं Mi Mix 4 के लिए, Mi 11 अल्ट्रा, Mi 11, Redmi K40, K40 प्लस, MI 10s, MI 10 Lite 5G, MI 10s मतलब Redmi Note 10s नहीं है, ये MI 10s है, MI सीरीज का एक अलग ही फोन है। कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना कि आप Xiaomi का कौन सा सीरीज का फोन यूज करते हैं, Redmi, Poco, MI। फिलहाल ये सब डिवाइस के लिए अभी MIUI 13 का बीटा वर्जन बिल्ड हो चुका है, यानी कि बन चुका है, और बहुत जल्द आपको इसका अपडेट भी देखने को मिल सकता है। और इससे रिलेटेड और भी अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और सबसे पहले अपडेट के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो बस इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।